हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 10 के लिए है। इस वीडियो में हम विज्ञान के अध्याय 12 यानी विद्युत के अंतर्गत अध्याय के अंदर दिए गए सभी प्रश्नों को बारीकी से समझेंगे और उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। प्रश्न है, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? इसका उत्तर लिखेंगे, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ एक ऐसा सतत तथा बंद पथ होता है जिसमें विद्युत धारा होती है। इस चित्र में एक विद्युत परिपथ को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं, विद्युत परिपथ एक बंद पथ होता है जिसमें विद्युत धारा मौजूद होती है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर है और इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। प्रति सेकंड एक कूलम आवेश के प्रवाह से एक एम्पियर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अगर किसी तार में प्रति सेकंड एक कूलम आवेश का प्रवाह हो तो इसमें एक एम्पियर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अर्थात हम कह सकते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया अगला प्रश्न है, एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। इस प्रश्न में आवेश का मान दिया गया है 1 कूलम, अर्थात हम लिख सकते हैं Q = 1 कूलम। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का परिमाण होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की प्रकृति ऋणात्मक होती है, परंतु यहाँ पर हम इसकी सिर्फ परिमाण को ही लिखेंगे, यानी E = 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। अब हमें निकालना है 1 कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और यह बराबर होगा Q/E। Q का मान कितना दिया गया है? 1 कूलम। इसके साथ हम डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का परिमाण, यानी 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू निकलेगा 6.025×10⁻¹⁸। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 कूलम आवेश की रचना करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी? 6.25×10⁻¹⁸। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया अगला प्रश्न है, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। इसका उत्तर होगा बैटरी। बैटरी वह युक्ति है जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। अगला प्रश्न है, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है? हमें इस प्रश्न में बताना है कि अगर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो तो इसका क्या अर्थ होता है। इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तो इसका तात्पर्य यह है कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल होता है। अगर दिए गए दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान 1 वोल्ट होता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। विभवांतर के लिए सूत्र होता है किया गया कार्य बटा आवेश। विभवांतर को V यानी वोल्ट में मापा जाता है और किए गए कार्य को जूल में और आवेश को कूलम में। इसलिए हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट = 1 जूल पर कूलम। अब अगला प्रश्न देखते हैं।
अब अगला प्रश्न है, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? ऊर्जा के लिए हम सूत्र लिखेंगे आवेश गुना विभवांतर। आवेश का मान है 1 कूलम, क्योंकि प्रश्न में लिखा गया है हर एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। विभवांतर है 6 वोल्ट, इस प्रकार ऊर्जा का मान होगा 6 जूल। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? उत्तर हम लिखेंगे किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। किसी भी चालक तार की जो प्रतिरोध होती है वह 3 कारकों पर निर्भर करती है। पहला है चालक की लंबाई, तार की जो लंबाई होगी या लंबाई पर निर्भर करता है चालक का प्रतिरोध। अगला कारक है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। किसी भी चालक तार का अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा यह इसके प्रतिरोध को प्रभावित करेगी। इसी प्रकार तीसरा कारक है चालक पदार्थ की प्रकृति, यानी यह चालक तार किस पदार्थ की बनी होती है इस पर भी उसका प्रतिरोध निर्भर करता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है समान पदार्थ के 2 तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है, क्यों? इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि किसी विशेष पदार्थ से निर्मित, यानी एक ही पदार्थ से निर्मित 2 तार हैं, एक है मोटा और एक है पतला। हमें बताना है कि इन 2 तारों में से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि दोनों को समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया गया हो। इसका उत्तर हम लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, चालक का प्रतिरोध R बराबर रो एल बाय ए। किसी भी चालक तार की प्रतिरोध के लिए जो सूत्र होता है वह होता है R बराबर रो एल बाय ए। R क्या है, यह चालक का प्रतिरोध है, रो एक स्थिरांक है, L चालक तार की लंबाई है और A उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब इसमें आगे हम लिखेंगे मोटे तार का प्रतिरोध पतले तार की तुलना में कम होता है, चूंकि जो समीकरण हमने लिखा R बराबर रो एल बाय ए, इसे समीकरण को देखकर हम समझ सकते हैं कि जो मोटे तार होंगे उनकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी अधिक होगा, और जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी A का मान अधिक होगा तो प्रतिरोध का मान कम होगा। यानी हम कह सकते हैं कि मोटे तार का प्रतिरोध पतले तार की तुलना में कम होता है। अतः दी गई स्थिति में विद्युत धारा मोटे तार में आसानी से प्रवाहित होगी। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न है, मान लीजिए किसी विद्युत अवयव के 2 सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है, तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा? प्रश्न काफी सिंपल है। इसमें पूछा गया है कि जब 2 सिरों के बीच विभवांतर को घटाकर आधा कर दिया जाता है तो उस स्थिति में भी उसका प्रतिरोध अगर नियत रहता है तो विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा? इसका उत्तर हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ओम के नियम के अनुसार V इज इक्वल टू IR, यानी विभवांतर जो होता है वह विद्युत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। अब इस समीकरण में आप देख सकते हैं कि अगर विभवांतर को हम आधा कर देंगे और R का मान नियत रहता है तो निश्चित रूप से I का जो मान होगा यानी विद्युत धारा का जो मान होगा वह आधा हो जाएगा। इसलिए आगे हम लिखेंगे, अतः प्रतिरोध नियत रहने की स्थिति में विभवांतर आधा कर देने पर विद्युत धारा भी घटकर आधी हो जाएगी।
अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न है, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्रातु के क्यों बनाए जाते हैं? उत्तर लिखेंगे, विद्युत टोस्टरों तथा इस्त्रियों के तापन अवयव मिश्रातु के बनाए जाने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण है, अपने अवयवी धातुओं की तुलना में मिश्रातु की प्रतिरोधकता उच्च होती है। जब हम धातुओं को पिघलाकर मिश्रातु बनाते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि जो मिश्रातु की प्रतिरोधकता होती है वह अपने अवयवी धातुओं की तुलना में अधिक होती है, और जब प्रतिरोधकता अधिक होती है तो विद्युत का तापन प्रभाव भी अधिक होता है, यानी ऊष्मा अधिक उत्पन्न होती है। अगला कारण है, इसका गलनांक अधिक होता है। चूंकि विद्युत टोस्टरों और विद्युत इस्त्रियों का जो निर्माण होता है वह इस दृष्टिकोण से होता है कि ये विद्युत का तापन प्रभाव प्रदर्शित करे, यानी ये ऊष्मा उत्पन्न करे। तो जब इस प्रकार के अवयव ऊष्मा उत्पन्न करती हैं तो इसके गलने की संभावना भी अधिक होती है, इसीलिए इसके निर्माण के लिए मिश्रातु का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है और ये आसानी से गलता नहीं है। इसी प्रकार अगला कारण है, उच्च तापमान पर इनका ऑक्सीकरण नहीं होता है। इन सभी कारणों की वजह से ही विद्युत टोस्टरों और विद्युत इस्त्रियों के निर्माण के लिए मिश्रातु का ही उपयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तालिका 12.2 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, आयरन यानी Fe तथा मर्करी यानी Hg में कौन अच्छा विद्युत चालक है? अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है? एनसीईआरटी बुक्स में तालिका 12.2 में विभिन्न प्रकार के धातुओं और उनकी प्रतिरोधकता को दर्शाया गया है। इन तालिका को देखकर हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है। सबसे पहले आइए देखते हैं तालिका में क्या दिया गया है। तालिका 12.2 में विभिन्न प्रकार के पदार्थ और उनके प्रतिरोधकता को दर्शाया गया है। जैसा कि पहला प्रश्न में पूछा गया है कि आयरन और मरकरी में से विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है, आप इस तालिके में देख सकते हैं कि आयरन का जो प्रतिरोधकता है वह है 10×10⁻¹ ओम मीटर, और मरकरी की जो प्रतिरोधकता है वह है 94×10⁻¹ ओम मीटर। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, आयरन का प्रतिरोधकता 10×10⁻¹ ओम मीटर एवं मरकरी का प्रतिरोधकता 94×10⁻¹ ओम मीटर है। अतः इन दोनों में से आयरन विद्युत का अच्छा चालक है। कारण क्या है कि आयरन की प्रतिरोधकता कम है। जिस पदार्थ की प्रतिरोधकता कम होगी उसमें विद्युत आसानी से प्रवाहित होगा, इसलिए इन दोनों में से आयरन विद्युत का अच्छा चालक है। इसी प्रकार प्रश्न बी में हमें बताना है कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है। इसके लिए पुनः हमें तालिका 12.2 को देखना होगा। इस तालिका में आप देख सकते हैं जितने भी पदार्थ को दर्शाया गया है सभी पदार्थों में से सिल्वर की प्रतिरोधकता सबसे कम है, और इसकी प्रतिरोधकता का मान है 1.6×10⁻¹ ओम मीटर। इसलिए सिल्वर की चालकता सबसे अधिक होगी, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता कम है, यानी विद्युत धारा इसमें आसानी से प्रवाहित हो सकती है। अतः इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, सिल्वर सर्वश्रेष्ठ चालक है। इस प्रकार अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अब इस प्रश्न में पूछा गया है, किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, 1 5 ओम प्रतिरोधक, 1 8 ओम प्रतिरोधक, 1 12 ओम प्रतिरोधक तथा 1 प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हो।
इस प्रश्न के जवाब के लिए हमें एक विद्युत परिपथ का आरेख खींचना है। इसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की एक बैटरी को हमें जोड़ना है, साथ ही साथ इसमें 5 ओम प्रतिरोधक, 8 ओम प्रतिरोधक और 12 ओम प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संयोजित करना है। इस संयोजन में एक प्लग कुंजी भी होंगे। तो आइए इसका हम व्यवस्था आरेख बनाते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी को जोड़ा गया है, इसमें एक प्लग कुंजी भी लगाया गया है, साथ ही साथ 3 प्रतिरोधकों को जिसके प्रतिरोध का मान 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम है, इन सभी प्रतिरोधकों को भी श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। इस प्रकार इस प्रश्न के जवाब के लिए हमें इस डायग्राम को बनाना है। अब आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 1 का परिपथ दोबारा खींचिए तथा इसमें प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर तथा 12 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर लगाइए। एमीटर तथा वोल्टमीटर के क्या पाठ्यांक होंगे? पिछले प्रश्न में जैसा हमने विद्युत परिपथ खींचा, ठीक वैसे ही विद्युत परिपथ इस प्रश्न में भी हमें खींचना है। इसमें हमें एक एमीटर और एक वोल्टमीटर लगाना है। एमीटर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है ये बताती है और वोल्टमीटर कितनी विभवांतर है ये बताती है। प्रश्न में ये बताया गया है कि वोल्टमीटर जो हमें लगाना है वह 12 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच लगाना है। तो आइए इसका हम विद्युत परिपथ खींचते हैं। इस डायग्राम में एक विद्युत परिपथ को दर्शाया गया है। यह पिछले प्रश्न के जैसा ही है, बस इसमें अंतर यह है कि इस विद्युत परिपथ में एक एमीटर ए लगाया गया है जो धारा को मापता है, साथ ही साथ 12 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच एक वोल्टमीटर भी लगाया गया है। अब हमें एमीटर और वोल्टमीटर की पाठ्यांक को बताना है। तो आइए हम निकालते हैं विद्युत धारा की मान क्या है। श्रेणी क्रम में संयोजित तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R बराबर। जैसा कि आपने देखा, जो विद्युत परिपथ हमने खींचा उसमें 3 प्रतिरोध है और तीनों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। इस प्रकार के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R बराबर होगा R1 + R2 + R3। अब इन तीनों प्रतिरोधों का मान अपने अपने स्थान पर हम रखेंगे और R का मान निकालेंगे। 5 ओम + 8 ओम + 12 ओम, यानी तुल्य प्रतिरोध का मान होगा 25 ओम। अब हम क्या करेंगे, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा I का मान निकालेंगे। विद्युत धारा I बराबर होगा V/R। V यानी विभवांतर और R है तुल्य प्रतिरोध। जैसा कि आपने देखा, विद्युत परिपथ में हमने 3 सेलों वाली एक बैटरी लगाई, इसमें प्रत्येक सेल 2 वोल्ट का है। इस प्रकार विद्युत परिपथ में हमने कितने विभवांतर दिया, 2 + 2 + 2 यानी 6 वोल्ट, यानी V के जगह पर हम 6 लगाएंगे और R के जगह पर 25। इस प्रकार विद्युत धारा I का मान निकला 0.25 एम्पियर। अब वोल्टमीटर का रीडिंग निकालेंगे। 12 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर भी बराबर होगा IR। I यानी विद्युत धारा और R है प्रतिरोध। I का मान हमने निकाला 0.24 एम्पियर और R, चूंकि R यह प्रतिरोध है, यह प्रतिरोध हम 12 ओम लेंगे क्योंकि जो वोल्टमीटर लगाया गया है वह 12 ओम प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच लगाया गया है, यानी R का मान होगा 12 ओम। इस प्रकार विभवांतर का मान होगा 2.88 वोल्ट। अतः वोल्टमीटर का जो रीडिंग होगा वह 2.88 वोल्ट होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब अगला प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न में विभिन्न प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध हमें निकालना है। इन सभी प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में संयोजित किए गए हैं। इसमें 2 कंडीशन दिया गया है, यानी 2 प्रश्न हैं, प्रश्न ए और प्रश्न बी।
प्रश्न ए में ये पूछा जा रहा है कि अगर दो प्रतिरोध जिसके प्रतिरोध का मान 1 ओम तथा 10^6 ओम है, इन दोनों प्रतिरोध को अगर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाए तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। इसी प्रकार प्रश्न बी में हमसे पूछा गया है कि 3 प्रतिरोध 1 ओम 10^3 ओम तथा 10^6 ओम के 3 प्रतिरोधों को अगर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाए तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो आइए इस प्रश्न का हम उत्तर निकालते हैं। सबसे पहले प्रश्न ए यानी कंडीशन ए पर विचार करेंगे। जब 1 ओम तथा 10^6 ओम प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो क्या होता है। अगर इसका तुल्य प्रतिरोध को हम R द्वारा सूचित करें तो हम लिख सकते हैं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अब R1 का मान क्या है 1 ओम और R2 का मान है 10^6 ओम। इन सभी का मान हमने बैठा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। 1 और 10^6 इसका एलसीएम होगा 10^6। अब हम यहां पर लिखेंगे 10^6 + 1। इस प्रकार हमने 1/R का मान निकाला और इसका मान निकला 10^6 + 1/10^6। अब हम समीकरण में आगे बढ़ेंगे और लिख सकते हैं R बराबर 10^6 / 10^6 + 1। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रश्न ए में हमें 2 प्रतिरोध दिए गए थे, एक का मान है 1 ओम और दूसरे का मान है 10^6 ओम। जब इन दोनों प्रतिरोधों को हमने पार्श्व क्रम में संयोजित किया तो इसका तुल्य प्रतिरोध यानी R का मान निकला 10^6 / 10^6 + 1। इसमें आप देख सकते हैं कि जो हर है यानी जो डिनोमिनेटर है वह क्या है 10^6 + 1। यानी पूरे R का अगर हम मान निकालेंगे तो वह मान क्या निकलेगा 10^6 से भी कम होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके डिनोमिनेटर ज्यादा हैं। इसीलिए इस संबंध में आप क्या निर्णय लेंगे, आप निर्णय यही लेंगे कि जब दो प्रतिरोधों को आपस में पार्श्व क्रम में जोड़ा गया तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होगा। इसलिए आप लिख सकते हैं अतः पार्श्व क्रम में लगाए गए प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है। अब कंडीशन बी पर आते हैं। जब 1 ओम 10^3 ओम तथा 10^6 ओम प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो अगर तुल्य प्रतिरोध को हम R द्वारा सूचित करें तो हम लिख सकते हैं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहां पर सभी का वैल्यू हम अपने अपने स्थान पर रखेंगे। R1 का वैल्यू होगा 1, R2 का वैल्यू होगा 10^3 और R3 का वैल्यू होगा 10^6। अब इसको जोड़ेंगे तो नीचे जितने भी डिनोमिनेटर हैं सभी का एलसीएम कितना होगा, वह एलसीएम होगा 10^6। अब हम आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे 10^6 + 10^3 + 1। यानी 1/R का वैल्यू हमने निकाला 10^6 + 10^3 + 1/10^6। जब हम समीकरण को आगे बढ़ाएंगे तो हम पाएंगे R बराबर 10^6 / 10^6 + 10^3 + 1। आप इसमें देख सकते हैं कि जो तुल्य प्रतिरोध हमने निकाला इसमें जो डिनोमिनेटर हैं, जो हर हैं, वह ज्यादा है। इसीलिए तुल्य प्रतिरोध का जो मान होगा वह इन तीनों प्रतिरोधों में से सबसे कम होगा। अतः हम लिख सकते हैं अतः पार्श्व क्रम में लगाए गए प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अब हम देखेंगे अध्याय के अंदर दिया गया अगला प्रश्न।
100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित हैं। उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दें तो वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती हैं। यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत स्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि तीन विद्युत युक्तियां हैं, एक विद्युत लैंप है, दूसरा विद्युत टोस्टर और तीसरा एक जल फिल्टर है। इन तीनों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया गया है तथा इस संयोजन को 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है। प्रश्न में आगे यही लिखा गया है कि एक विद्युत स्त्री है, वह भी उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी की यह संयोजन, तो हमें उसकी तुल्य प्रतिरोध निकालनी है, यानी विद्युत स्त्री की प्रतिरोध क्या है यह हमें निकालनी है। विद्युत स्त्री की जो प्रतिरोध होगी वह इस संयोजन के तुल्य प्रतिरोध के बराबर ही होगी। प्रश्न में आगे यह भी लिखा गया है कि हमें विद्युत धारा ज्ञात करनी है जो विद्युत स्त्री लेती है। अब आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न में दिया गया है विद्युत लैंप का प्रतिरोध, इसको हमें R1 मान लेना है और इसका मान है 100 ओम। इसी प्रकार विद्युत टोस्टर का प्रतिरोध को हम R2 मान लेते हैं और इसका मान दिया गया है 50 ओम। इसी प्रकार जल फिल्टर का प्रतिरोध यानी R3 बराबर 500 ओम यह प्रश्न में दिया गया है। अब इन तीनों युक्तियों को जब पार्श्व क्रम में संयोजित किया गया तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा यह हमें निकालना है। तो अब हम आगे लिखेंगे, यदि पार्श्व क्रम संयोजन का प्रतिरोध R हो तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जैसा कि समीकरण हमें पता है। अब सभी प्रतिरोधों का मान हम समीकरण में पुट करेंगे। आगे हम लिखेंगे 1/R बराबर यहां पर 150 और 500 का एलसीएम होगा 500। अब हम आगे लिखेंगे 5 प्लस 10 प्लस 1 बराबर ये कितना हो जाएगा 16/500, यानी इसका मान होगा 4/125। अब हम लिख सकते हैं R बराबर 125/4 ओम। इस प्रकार इन तीनों युक्तियों को जब हम पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे तो इसका तुल्य प्रतिरोध होगा 125/4 ओम और यही प्रतिरोध का मान होगा विद्युत स्त्री का, जैसा कि प्रश्न में लिखा गया है। अब हमें ओम के नियम का उपयोग करना होगा। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि विद्युत स्त्री कितनी धारा लेती है। धारा का मान निकालने के लिए हमें ओम के नियम का ही उपयोग करना होगा। इस नियम के अनुसार हम लिख सकते हैं I बराबर V/R। अब यहां पर V का मान कितना दिया गया है, V का मान है 220 वोल्ट, यानी इस विद्युत स्त्री को 220 वोल्ट के साथ संयोजित किया गया है। बटा का चिन्ह लगाएंगे, R का मान हमने कितना निकाला 125/4 ओम। अब हम बराबर का चिन्ह लिखेंगे, 220 जैसा है उसको वैसे ही लिखेंगे, बटा का जो चिन्ह है उसको गुणा के चिन्ह में परिवर्तित करेंगे और फिर आगे पार्ट को हम कैसे करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे। इस प्रकार हम लिखेंगे गुना 4/125। अब हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे और इसका वैल्यू जो निकलेगा उसको हमें लिखना है और इसका वैल्यू निकलेगा 7.04। चूंकि हम धारा निकाल रहे हैं, धारा का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। इस प्रकार विद्युत स्त्री कितनी धारा लेती है, 7.04 एम्पियर। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे लिए अगला प्रश्न है, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं? जैसा कि आप जानते हैं विद्युत युक्तियों को विद्युत परिपथ में
श्रेणी क्रम में या फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जा सकता है। इस प्रश्न में हमें बताना है कि पार्श्व क्रम संयोजन के क्या लाभ हैं। इसका उत्तर लिखेंगे, विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला कारण है प्रत्येक उपकरण को समान विभवांतर प्राप्त होता है। अगर आप किसी विद्युत परिपथ में विभिन्न प्रकार के विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे तो आप पाएंगे कि प्रत्येक उपकरण को समान विभवांतर प्राप्त होता है। यह पहला कारण है। दूसरा कारण है कि एक उपकरण को बंद या चालू करने पर अन्य उपकरण प्रभावित नहीं होते हैं। अगर विभिन्न उपकरणों को हम श्रेणी क्रम में संयोजित करें तो हम क्या पाएंगे कि एक को चालू या बंद करने पर दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, परंतु पार्श्व क्रम में एक को बंद या चालू करने पर दूसरे उपकरण प्रभावित नहीं होते हैं। इसी प्रकार अगला कारण है प्रत्येक उपकरण को अपने प्रतिरोध के आधार पर विद्युत धारा प्राप्त होता है। इस प्रकार के संयोजन में विभिन्न प्रकार के उपकरण को अपने प्रतिरोध के आधार पर विद्युत धारा प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर विभिन्न युक्तियों को हम श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तो सभी उपकरणों के से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अब प्रश्न है, 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम 1 ओम हो। इस प्रश्न में हमें 3 प्रतिरोध दिया गया है। एक का मान है 2 ओम, दूसरे का मान है 3 ओम और तीसरे का मान है 6 ओम। इस प्रश्न में 2 कंडीशन दिया गया है, कंडीशन ए और कंडीशन बी। इसमें कंडीशन ए में हमें बताना है कि इन 3 प्रतिरोधों को हम किस प्रकार संयोजन करें ताकि कुल प्रतिरोध जो है वह 4 ओम हो। इसी प्रकार कंडीशन बी में हमें बताना है कि इन सभी प्रतिरोधों को हम किस प्रकार संयोजित करें कि कुल प्रतिरोध 1 ओम का हो। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कंडीशन ए पर विचार करेंगे। कुल प्रतिरोध 4 ओम प्राप्त करने के लिए चित्र में दर्शाए अनुसार 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में एवं इस संयोजन को 2 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि 2 प्रतिरोध, एक है 3 ओम और दूसरा है 6 ओम। इन दोनों प्रतिरोध को हम किस क्रम में जोड़े? पार्श्व क्रम में। फिर इस संयोजन को हम 2 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। जब इन 3 प्रतिरोधों को हम इस चित्र के अनुसार जोड़ेंगे तो कुल प्रतिरोध जो हमें प्राप्त होगा वह 4 ओम प्राप्त होगा। अब ये 4 ओम कैसे प्राप्त होगा, आइए हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। 3 ओम और 6 ओम का पार्श्व क्रम संयोजन। अगर इन दोनों प्रतिरोधकों के पार्श्व क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध को हम R द्वारा इंडिकेट करें तो हम लिख सकते हैं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। R1 का मान है 3 और R2 का मान है 6। इस प्रकार इस समीकरण में हमने R1 और R2 का मान बैठा दिया। अब हम आगे इस समीकरण को सॉल्व करेंगे और 3 और 6 का एलसीएम हम लिखेंगे, 6 होता है। अब हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे 2+1, यानी इसका पूरा मान होगा 3/6 यानी 1/2। इस प्रकार R का मान कितना निकला? 2 ओम। जब हम 3 ओम और 6 ओम प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध हमें मिलता है 2 ओम। आगे हम लिखेंगे इस संयोजन का 2 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम संयोजन। अब जो हमें 2 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हुआ इसको हमें 2 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करना होगा। इस प्रकार तुल्य प्रतिरोध होगा 2 ओम प्लस 2 ओम, यानी इसका वैल्यू होगा 4 ओम।
तो हमने देखा कि किस प्रकार इन तीनों प्रतिरोधकों को हम संयोजित करें ताकि कुल तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। अब कंडीशन बी पर हम विचार करेंगे। कुल 1 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए तीनों प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में संयोजित करना होगा, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के तीनों प्रतिरोधकों को जब हम पार्श्व क्रम में आपस में संयोजित करते हैं तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 1 ओम होगा। अब 1 ओम कैसे होगा, आइए कैलकुलेशन करके हम देखते हैं। पार्श्व क्रम संयोजन के लिए हम सूत्र लगाएंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1, R2 और R3 का मान हम अपने अपने स्थान पर बैठाएंगे, जिसका मान है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। अब हम आगे लिखेंगे 1/R बराबर कितना होगा, इन सभी का एलसीएम निकालेंगे यानी 2, 3 और 6, और इसका एलसीएम होगा 6। अब हम ऊपर में लिखेंगे 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी इसका मान निकलेगा 6/6 यानी 1। अब हम आगे लिखेंगे R बराबर 1 ओम। तो हमने देख लिया कि इन तीनों प्रतिरोधकों को जब हम पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं तो किस प्रकार तुल्य प्रतिरोध 1 ओम हो जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अब अगला प्रश्न, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की चार कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। सबसे पहले हम देखेंगे कि अधिकतम प्रतिरोध कैसे प्राप्त होगा। सभी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा। इस स्थिति में तुल्य प्रतिरोध R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। इस प्रकार इसका वैल्यू होगा 4 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम प्लस 24 ओम, यानी तुल्य प्रतिरोध का मान होगा 48 ओम, जो कि अधिकतम होगा। और अधिकतम प्रतिरोध हम श्रेणी क्रम संयोजन से ही प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखेंगे निम्नतम प्रतिरोध कैसे प्राप्त होगा। सभी प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त होगा। अगर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R हो तो इस स्थिति में 1/R बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। सभी का वैल्यू अपने अपने स्थान पर हम रखेंगे और हम पाएंगे 1/R बराबर 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए सभी डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे और इसका एलसीएम होगा 24। अब हम ऊपर में लिखेंगे 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी इसका वैल्यू होगा 12/24 यानी 1/2। अब हम R का मान निकालेंगे, R बराबर कितना होगा 2 ओम। इस प्रकार हमने देखा कि अगर सभी प्रतिरोधों को हम पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे तो हमें निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त होगा और इसका मान होगा 2 ओम। अब अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्तप्त नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा H=I²RT होता है। किसी भी विद्युत परिपथ में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है इसके लिए एक समीकरण है और इस समीकरण को हम लिखेंगे H=I²RT, जहां H उत्पन्न ऊष्मा के मान को दर्शाता है, I विद्युत धारा, R प्रतिरोध और T टाइम अर्थात समय होता है। विद्युत हीटर की डोरी कॉपर के मोटे तार की बनी होती है जिसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, जबकि इसके तापन अवयव उच्च प्रतिरोधकता वाले चालक पदार्थों से बने होते हैं जिससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। विद्युत हीटर की जो डोरी होती है यह
कापर के मोटे तार की बनी होती हैं, जिसकी प्रतिरोध बहुत ही कम होती है। परंतु जो तापन अवयव होते हैं विद्युत हीटर के अंदर, वह उच्च प्रतिरोधकता वाले पदार्थों से बने होते हैं, इसलिए इससे अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए विद्युत हीटर की डोरी उत्तप्त नहीं होती, जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब भी पूरा हो गया। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अध्याय के अंदर दिया गया अगला प्रश्न है, एक घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। इसमें हमें निकालना है कि कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। इसके लिए हम सूत्र लगाएंगे, उत्पन्न ऊष्मा बराबर विभवांतर गुना आवेश। विभवांतर का मान दिया गया है 50 वोल्ट और आवेश का मान दिया गया है 96,000 कूलम। इस प्रकार इसका वैल्यू निकलेगा 48,00,000 जूल। अब इसका मान हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4.8 × 10⁶ जूल। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न है, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। हमें उत्पन्न ऊष्मा का मान निकालना है। सबसे पहले हम लिखेंगे ज्ञात है कि, यानी क्या दिया गया है। प्रश्न में दिया गया है प्रतिरोध यानी R का मान 20 ओम, विद्युत धारा यानी I का मान दिया गया है 5 एम्पियर और टाइम अर्थात समय दी गई है 30 सेकंड। अब उत्पन्न ऊष्मा के लिए सूत्र लगाएंगे, H = I²RT। I का वैल्यू है 5 एम्पियर यानी 5 का स्क्वायर, R दिया गया है 20 ओम और T का वैल्यू दिया गया है 30 सेकंड। इस प्रकार इसका वैल्यू निकला 15,000 जूल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.5 × 10⁴ जूल। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न है, विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण विद्युत शक्ति द्वारा किया जाता है। विद्युत शक्ति को P द्वारा सूचित किया जाता है और इसका सूत्र होता है VI, जहां पर V विभवांतर है और I विद्युत धारा है। P को हम दूसरे सूत्र के द्वारा भी निर्धारित कर सकते हैं, P = I²R, जहां पर I विद्युत धारा और R प्रतिरोध होता है। इसके लिए एक अलग सूत्र भी है, P = V²R। इस प्रकार विद्युत शक्ति के ये सभी सूत्र हैं। अब ये सभी सूत्र एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि किसी एक सूत्र से हम दूसरे या तीसरे सूत्र को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण हम विद्युत शक्ति के द्वारा कर सकते हैं। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे लिए अगला प्रश्न है, कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभुक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए। प्रश्न में दिया गया है कि एक विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है और यह उस स्रोत से 5 एम्पियर की विद्युत धारा लेती है। हमें मोटर की शक्ति ज्ञात करना है, साथ ही साथ हमें यह भी बताना है कि 2 घंटे में मोटर द्वारा कितनी ऊर्जा उपयोग की गई। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। प्रश्न में दिया गया है V यानी विभवांतर का मान 220 वोल्ट, साथ ही साथ I का मान दिया गया है 5 एम्पियर और टाइम दिया गया है 2 आवर्स। इससे अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 × 60 कर मल्टीप्लाई करना होगा। इस प्रकार इसका मान होगा 7200 सेकंड। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोटर की शक्ति निकालेंगे। मोटर की शक्ति के लिए सूत्र होता है VI,
वी का मान दिया गया है 220 वोल्ट और आई का मान दिया गया है 5 एम्पियर। इस प्रकार मोटर की शक्ति हमने कैलकुलेट किया 1100 वाट। अब निकालेंगे मोटर द्वारा उपभुक्त ऊर्जा। ऊर्जा बराबर सूत्र होता है शक्ति गुना समय। शक्ति हमने निकाला 1100 वाट और समय हमारे पास है 2 घंटा यानी 2 आवर। इस प्रकार ये हो गया 2200 वाट आवर। इस प्रकार से हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.2 किलो वाट आवर। इस प्रकार 2 घंटे में मोटर के द्वारा 2.2 किलो वाट आवर ऊर्जा उपयोग की गई। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने अध्याय के अंदर दिए गए सभी प्रश्नों को बारीकी से समझा और उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा। अगर आप एक्सरसाइज के अंदर दिए गए सारे क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं और उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल पर एक अलग वीडियो है। इस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। आप वहां पर जाकर सारे क्वेश्चंस का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए इस वीडियो का आप लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हर नए वीडियोस की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।